सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और ये आज पहली वीडियो होने वाली है हमारी टॉपिक के ऊपर, जो मैं एक नया टॉपिक बनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए कि आप कैसे अपने गेमिंग चैनल को ग्रो अप कर सकते हो और मेरे ही चैनल की तरह आप भी अपने चैनल को मोनिटाइज करवा सकते हो बहुत ही जल्द से जल्द। जी हाँ दोस्तों, मैं सारी अपनी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पर बताने वाला हूँ, जो भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यूज़ करे, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट इतने चैनल पर यूज़ करे थे मोनिटाइजेशन इनेबल करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको फॉलो करना, बस आपको उनको ध्यान से समझना है और फॉलो करना है, और जो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना है। सो गाइस, ये चल रहा है 2021 और आपको जैसा कि पता होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है हर एक चीज़ में, और खासकर यूट्यूबिंग में बहुत सारे यूट्यूबर और गेमिंग चैनल में हर 10 में से 2 से 3 बंदा यूट्यूब चैनल ओन करता है अपना गेमिंग का, जो भी गेमिंग बंदे करते हैं। आपको ये चीज़ पता ही होगी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हर एक को गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो भी यंगस्टर जितने भी खासकर होते हैं और यंगस्टर में ही ज़्यादातर ये चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस, आपको ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर यूट्यूब पर वर्क करने आए हो तो आपको यूट्यूब को समझना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करता है, आपको कैसे वो फ़ायदा देगा, आपको क्या चीज़ बेनिफिट देगी, क्या चीज़ नुकसान देगी, क्या चीज़ आपके लिए कम टाइमिंग कंज्यूम करेगी, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। सो सारी चीज़ें मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे समय से यूट्यूब पर वर्क किया। अभी से मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल बहुत पुराना है, मतलब पहले मैंने ये नहीं कंटिन्यूस वर्क करा, मैंने वर्क किया नहीं चला फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वर्क किया नहीं चला छोड़ दिया। सो मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा या फिर आपकी चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी या फिर जो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो सकता है कहीं ना कहीं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा क्योंकि ये चल रहा है 2021, तो आपको हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है आज के टाइम में, इस कॉम्पिटिशन के माहौल में, जिससे आपका चैनल अलग आए और इस कंपटीशन में आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करे। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू, जो भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। सो आपको वो चीज़ों को समझना। सो गाइस, ये आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन की तरह समझ सकते हो, जो हमारा टॉपिक में जो मैंने आज टॉपिक चालू किया है आपके चैनल के ग्रोथ का, जो उससे आपके चैनल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करी थी, वो सेम चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी अपने कंटेंट के हिसाब से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो आपको ये वीडियो देखना और समझना, और मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि चैनल ग्रोथ या जो भी नाम होगा वो मैं बता दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी मैं वीडियो डालता जाऊंगा आपको उसको देखना, फॉलो करना है, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, और सही से उसको फॉलो करके समझना कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला जो किसी भी यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर के, मतलब जो भी वो चैनल होते हैं वैसे, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब जो भी अपने हेल्प वेल्प बताते हैं। सो वो चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें अपने चैनल पे अप्लाई करी थी, एक्सपेरिमेंट करा था कि हाँ भाई ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे जो मैंने कहीं भी वीडियो से नहीं देखी थी या किसी से भी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, यूट्यूब को समझा है, जाना है इतने समय में, और जानने के बाद अपने तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और फिर उसका रिजल्ट लेके मैं आपके सामने आऊँ, जो कि मेरा चैनल खुद मोनेटाइज हुआ है। क्योंकि मेरा चैनल भी बहुत डेड था, ज़्यादा ज़्यादा 10-12 व्यूज़ आते थे मेरे उस समय पहले, कुछ महीनों पहले, कैसे मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने अपने चैनल की बहुत तगड़ी ग्रोथ करी है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि कैसे मैंने इतनी जल्दी जल्दी अपने चैनल की ग्रोथ करी और उसको मोनेटाइज करवाया इतनी जल्द से जल्द। आपको क्योंकि पता होगा सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है एक यूट्यूबर न्यू यूट्यूबर के लिए 4000 घंटों का, और 1000 सब्सक्राइबर का फिर भी बंदा कैसे ना कैसे करवा के कर लेता है, पर 4000 घंटे का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है एक नए यूट्यूबर्स के लिए। सो वो चीज़ मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपकी कैसे अपने पहले माइलस्टोन जो कि एक होता है नए यूट्यूबर्स के लिए कि अपना चैनल को मोनेटाइज करवाना, वो कैसे करवा सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी मैं वीडियो लाऊंगा चैनल ग्रोथ के रिगार्डिंग आपको उसको देखना समझना जो भी, और उन चीज़ों को अपने इंप्लीमेंट करना, आपको मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ आपका चैनल की ग्रोथ होगी, क्योंकि ये मुझे पता है ये चीज़ वर्क कर रही है, वो चीज़ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करी अपने चैनल पे। मेरा चैनल को ये नहीं कि मेरा एक रातों रात शूटअप हो गया या ऐसा कुछ हो गया या जादू सा हो गया या ये हो गया वो हो गया, आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे आपको वर्क करना अपने चैनल पर, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना, उसी हिसाब से अपने चीज़ों को अपने चैनल के ऊपर उसको अप्लाई करके देखना है, टेस्ट करना है, और फिर आपको कुछ ही दिन में आपके 10 दिन में रिजल्ट आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे चैनल की रीच बढ़ चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है थोड़ी बहुत, जो मेरी पहला चैनल चल रहा था उस हिसाब से अब रीच थोड़ी बढ़ चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा जादू वादू, मैं आपको एक बार ही दिखा दूँ जादू वादू वाले वादे, भाई बहुत आपको वीडियो ऐसे मिल जाएगी भाई ये वाला जादू कर लो आप जादूगर बन जाओगे, और आपको पता ही है फिर क्या होता नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ को देख रखा होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी, और इतने ज़्यादा बंदे फुद्दू बना रहे बेवकूफ़ बना रहे पूरी, क्या ही बताऊँ, क्यों मेरे को पता है कि यार कौन बंदा सही इन्फॉर्मेशन देता है, कौन बंदा आधी इन्फॉर्मेशन देता है, किसको पता है किसको नहीं पता, इतने बड़े बड़े चैनल है वो अपने बस चैनल उन्होंने का ग्रोथ हो गया, बट वो कुछ नहीं सोच रहे कि आप जो यूट्यूबर्स नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके छोटे यूट्यूबर्स जो नए भी हमारी तरह
सो उनकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी, वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते क्योंकि उनका चैनल हो चुका है ग्रोथ और वही चीज़ है वो सारे घुमाते रहते हैं, जो सारे चैनल एक ही चीज़ को घुमा फिरा के वही बताते रहते। सो मैं उनसे हट के बच के और थोड़ा अलग बताने वाला हूँ, क्योंकि 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने खुद अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करके देखी है और वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो सारी टिप्स एक एक करके आपको बता दे जाऊंगा। सो ये आज की थी इंट्रोडक्शन की टिप। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मतलब जो भी आपके चैनल की ग्रोथ के रिगार्डिंग जो भी वीडियो डालूंगा उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट करना, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डालूंगा। बाकी जो मेरा अलग कंटेंट चल रहा है उसको मैं एक साइड रखूंगा और जो आपके ग्रोथ के लिए चैनल की हेल्प करेगा उसके लिए मैं एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनाऊंगा अलग से, आपको प्लेलिस्ट का नाम देखते ही पता चल जाएगा। सो अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और गाइस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक्स लाने वाला हूँ मैं आपके लिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन पीस आउट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।